मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नवोदय प्लस टाइम्स। आइए आपको रूबरू कराते हैं आसपास की कुछ ताजा खबरों से। बुधवार की सुबह एक विवाहिता संदिग्ध अवस्था में आग से झुलस गई, जिसे परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा जिला अस्पताल ललितपुर के लिए रेफर कर दिया गया। थाना मड़ावरा निवासी चाली अहरवार की 32 वर्षीय पत्नी ममता आगजनी की घटना में करीब 55% झुलस गई। महिला के ससुर हल्लू अहरवार ने बताया कि उसकी बहू सुबह गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी अचानक आग की लपटों ने उसे घेर लिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों की मदद से उसे बचाया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मड़ावरा से इमरान खान के साथ अभय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कितने बजे की घटना है? सवेरे की हिसाब माने 7-8 बजे। आप परिवार में कितने लोग? परिवार में हम एक महिला जो झुलसी हुई अवस्था में अस्पताल लाई गई थी, क्या स्थिति या क्या प्रकरण था? जली आग से जली हुई महिला अस्पताल में लाई गई थी, जो 40-50% तक लगभग जली हुई है, और उसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ललितपुर के लिए रेफर कर दिया। उसकी सर क्रिटिकल कंडीशन लग रही है क्या? सीरियस कंडीशन तो थी उसकी, इसी को देखते हुए उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, यहाँ उसका सही से इलाज हो सके।